आसनसोल नगर निगम के आलोचना हॉल में शनिवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय कमिश्नर राजीव मिश्र और अन्य अधिकारी के साथ आसनसोल और आसपास के क्षेत्र के विभिन्न चेंबरों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। यहां पर इन चेंबरों के प्रतिनिधियों ने व्यापार को लेकर कुछ समस्याओं की तरफ नगर निगम का ध्यान आकर्षित किया और मेयर और कमिश्नर से आग्रह किया कि किन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए ताकि व्यापार में आने वाले परेशानियों को दूर किया जा सके। इस बारे में जब हमने आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा से बात की तो उन्होंने कहा कि आज की इस बैठक काफी सकारात्मक रही और आज की इस बैठक में चेंबर के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को लेकर नगर निगम से बातचीत की और उनके समाधानों के ऊपर चर्चा की। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस बनाना काफी मुश्किल हो गया है, उसके पोर्टल में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा आइक्यूपेशन टैक्स को लेकर भी कुछ दिक्कतें हो इसके बारे में नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया गया। मेयर ने उनकी बातों को गौर से सुना, आश्वासन दिया कि बहुत जल्द उनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा। आज क्या लगी मीटिंग? आज नगर निगम मेयर साहब और कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग सारे चेंबरों को लेकर बुलाए थे। यहाँ पर खास करके सभी चेंबरों से एजेंडा मांगा गया था, तो मैं आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उनको कई एजेंडा दिया जिस पर उन्होंने आज चर्चा की। खास करके हम लोगों का ट्रेड लाइसेंस नहीं बन पा रहा है, उसका पोर्टल बहुत दिनों से बंद है, उस पर चर्चा हुई और उसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए उस पर उन्होंने आज हम लोगों को बताया है कि किस तरह से उसका निवारण किया जाएगा। साथ ही साथ जो ऑक्युपाइड टैक्स होता है, ऑक्युपाइड टैक्स लेकर जो हमारा व्यवसायियों का ट्रेड लाइसेंस बनता है उस पर भी बातें हुई और आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा और खास करके सभी चेंबर के तरफ से कुछ न कुछ अपना जो है प्रॉपर्टी टैक्स हो या ट्रेड लाइसेंस हो या शहर के साफ सफाई के लिए चर्चा हुई उस पर बहुत ही अच्छा मेयर साहब और कमिश्नर साहब ने बताया है और आशा करते हैं आने वाले दिनों में जो असुविधा है उसको दूर किया जाएगा। आसनसोल से बीजू मंडल के रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।